किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना सीखें, फिर अपने उस काम पर ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो चीजें बताई हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे जरूर लिखकर जाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। पहले आप एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वो काऊ काऊ की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काऊ काऊ करने लगता है। काऊ काऊ से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है।